कहाँ से आए हैं पता आपको? ये पहाड़ है ना, इसके पीछे से ऐसे वो नीचे ऐसे करके इसके पीछे से हम यहाँ को आए हैं। पर यार क्या ही मस्त लग रहा है, जो लोग आ सकते हैं ना वो यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ से कहते थे कि हिमालय मतलब जो चाइना था ना, चाइना की जो रेंज है वो यहाँ से दिखती थी नैना पीक से। 1500 कुछ ईस्वी में यहाँ पर भूकंप आया। अभी मैं ना राजभवन पर हूँ और ये बंद हो चुका है, तो ये इसके ना खुलने की टाइमिंग ऐसे है नहीं, इसके खुलने की टाइमिंग है जैसे 11 बजे 2 बजे 4 बजे ऐसे। ये मतलब ये खोलते हैं आपके 10 या 15 मिनट के लिए, फिर बंद कर देते हैं। 10-15 मिनट पहले ये टिकट दे देते हैं फिर बंद कर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष और मैं रानीखेत से हूँ। स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल आरकेटी ब्लॉग 9 में। एक्चुअली आज मैं जा रहा हूँ आपके नैनीताल। नैनीताल को अच्छे से देखूँगा क्योंकि मेरा जो 5 डे का चैलेंज है ना तो वो तो पूरा करना है, तो वीडियो बनाने नैनीताल तो आज जाना ही पड़ेगा। तो आज मेरा है day 3। और एक्चुअली कल जब मैं भीमताल गया था, नौकुचिया ताल, सतताल, उसकी वीडियो अभी तक मेरी ना क्या बोलते हैं एडिटिंग नहीं हुई है पूरी तरह से। रात में पता नहीं मैंने लैपटॉप में रखी तो थी पर वो पहले ऐड होती है फिर उसके बाद से होता है, थोड़ी बहुत ऐड हो रखी है, थोड़ी बहुत एडिटिंग है। अब जो पार्ट होते हैं ना, एक तो पार्ट अलग अलग में होते हैं तो उसकी वजह से कुछ लंबे पार्ट हैं तो वो बहुत स्लो हो रही होगी। एक तो लैपटॉप मेरा बहुत पुराना है इस वजह से। सो गाइस यहाँ से निकलते हैं नैनीताल के लिए। नैनीताल में देखते हैं, 2-3 जगह है, नैना पीक है, नैनीताल है, इको पार्क है, एक वहाँ जू है, तो कहाँ कहाँ जाया जाएगा वो देखते हैं। 10:23 हो चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तो मिलते हैं आप लोगों को जल्दी ही मोटो ब्लॉगिंग में। अभी भी ना नैनीताल 45 किलोमीटर है, 45 किलोमीटर और रह गया और टाइम हो रहा है अभी 11:03। तो सही टाइम पर मैं घर से आ गया हूँ, पहुँच जाऊँगा जो जो चीज़ देखनी है वहाँ पर। नैनीताल में पहले यहाँ पर लिखा रहता था आई लव नैनीताल करके, अब वो व्यू पॉइंट पर चले गया है। क्या खूबसूरत लग रहा है, एकदम पानी क्लियर है यहाँ का। मैं तो एकदम से उतना नहीं आ रहा हूँ अभी क्योंकि धूप मेरे पीछे साइड पर है, पर आपको दिखाता हूँ फीस यहाँ पर देखो कितनी सारी है। सब इधर ही को आते हैं क्योंकि यहाँ को इनको खाने को मिलता होगा ना। और पानी देखो क्लियर दिख रहा है बिल्कुल, अगर गोप्रो गया ना इसमें फिर तो हो ही जाएगा कमाल। ये लगता है कि कूद मारना पड़ेगा, और वो ये कितना गहरा है कह नहीं सकते। नैनीताल में भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। अगर पैदल पैदल जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, मुझे नैना पीक जाना था। देखता हूँ पहले कहाँ पर है नैना पीक क्या है करके। यहाँ से जाता है गाइस नंदा देवी वाइल्ड कवरेज रेंज, ये लिखा है नंदा देवी के लिए। कितना किलोमीटर है ये गए हैं लोग ऊपर इको फ्रेंडली। अब जा रहे हैं हम नैना देवी टॉप के लिए, तो 3 किलोमीटर का ट्रैक है। कह तो रहे थे कि नीचे से एक अंकल अकेले मत जाना, तो अभी यहाँ पर टाइम हो रहा है 1:03। देखते हैं कितनी जल्दी हम पहुँच पाते हैं ऊपर नैना पीक पर, और फिर उसके बाद से एक राजभवन भी जाना था, देखते हैं वहाँ जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। पहले तो यही, मैंने कल कहा था ना भीमताल वाले एरिया में कि अगर आपको नैनीताल घूमना है या भीमताल घूमना है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर 1 या 2 दिन स्टे करना पड़ेगा, उसके बाद से आप घूम सकते हो, तब जाके आप आराम से अच्छे से घूम पाओगे। मैं अपने साथ पानी लेके आया हूँ, खाना लेके आया हूँ।
तो भूख लगेगी ना, खाएंगे। रास्ता थोड़ी सा उबड़ खाबड़ है, जिसमें आपको दिखाता हूँ ये है पत्थरों का, हमारे वहाँ पहाड़ में इसको खड़ंज का रास्ता बोलते हैं। 3 मीटर का, ये ज़्यादा लंबा है, ये 5 मीटर हो सकते हैं। तो गाइस अभी आप लोगों को ना मिलता हूँ मैं, थोड़ी सा चढ़ते हैं फिर मिलेंगे। गाइस वैसे मैं आ तो गया हूँ, पर ये जंगल बहुत ख़तरनाक है, ठीक है ना। नीचे वैसे मुझे अंकल जी भी बोल रहे थे अकेले डर लगती है पीछे वाले रास्ते, और पीछे वाला रास्ता तो और सुनसान है। मेरे साथ ना आगे कोई है और ना मेरे साथ कोई पीछे है, सिर्फ मैं अकेले हूँ और लोग भी नहीं दिख रहे हैं, बहुत कम होने को। नीचे रोड तो दिख रही है पर यहाँ कोई नहीं दिख रहा। पनकोट को जाती है रोड, पता नहीं कहाँ को जाती। ऊपर से तो वैसे लोगों की आवाज़ आ रही है पर मेरे साथ कोई नहीं है, लोग नीचे को आ रहे हैं। करीब करीब ना नैना पीक में आ ही गए हैं और यहाँ पर रह रहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले। अब जाना है हमें इस रास्ते से आगे की तरफ को। तो वैसे बहुत खतरनाक है यार। ये भैया मिले मुझे अल्मोड़ा के, इनके साथ ये किसी को लेके आए हैं टूर गाइड करके, बहुत तगड़ा। ये पेड़ काहे के हैं, ये ऐसा लग रहा है जैसे बांस के पेड़ होंगे पर हैं कुछ और ही। सही लग रहा है यहाँ पर तो मस्त एकदम से, पर हिमालय रेंज और हिमालय व्यू भी बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ से। जैसे गाइस क्या ही मस्त लग रहा है यार, क्या कहें आपसे नैना पीक से। ऐसा लग रहा है ना कि हम ऐसे एकदम से यहीं पर होगा, और हम घुमा फिरा के कहाँ से आए हैं पता आपको। ये पहाड़ है ना, इसके पीछे से ऐसे वो नीचे ऐसे करके इसके पीछे से हम यहाँ को आए हैं। पर यार क्या ही मस्त लग रहा है, जो लोग आ सकते हैं ना वो यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ से कहते थे कि हिमालय मतलब जो चाइना था ना, चाइना की जो रेंज है वो यहाँ से दिखती थी नैना पीक से। 1500 कुछ ईस्वी में यहाँ पर भूकंप आया था। अब ये सच है नहीं है या क्या है मैं नहीं जानता, पर हाँ लोग का कहना है कि ये एरिया से भूकंप आया था भूस्खलन, तो ये पहाड़ी आधे से ज़्यादा नीचे आ गई थी, मतलब बहुत बड़ी पहाड़ी थी। आप देख सकते हो ना कितनी बड़ी है, अगर इसमें दिख रही होगी तो वो देखो क्या मस्त लग रही है। उतना सांप नहीं आएगा क्योंकि मेरे इसकी जो ब्रैकनेस्ट है ना वो मैंने बहुत कम कर रखी है, पर अच्छा लग रहा है यहाँ पर मस्त एकदम से। अभी मिलते हैं फिर आप लोगों को, दिखती थी अब ये तो भगवान ही जाने ऐसा होता है नहीं होता है। पर अभी ना कोहरा लगा हुआ है, यहाँ से आपको चंपावत और अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ की पूरी रेंज दिखेगी। तो ये जो टावर दिख रहा है ना, इसके सीधे पहाड़ में कसार देवी का दिख रहा है, और ये अल्मोड़ा की वो गांव वाला एरिया है, ठीक है ना। और इधर को दिख रहा है रानीखेत रेंज। इस पहाड़ी से आपको देखने को क्या बोलते हैं नंदा देवी पर्वत, और साथ में त्रिशूल पर्वत भी देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत बढ़िया सही है अगर आप अच्छे से देखना पसंद करेंगे तो। ऊपर से ज़्यादा नीचे और पसंद है। ये देखो यहाँ से व्यू, एक बार व्यू का आप वो करो, यहाँ से ना त्रिशूल देखो, हल्का सा त्रिशूल दिख रहा है और नंदा देवी ये दिख रहा है। मतलब यहाँ से अगर आप देखना चाहें तो गढ़वाल रेंज भी दिख रही है और कुमाऊँ रेंज भी दिख रही है, और यहाँ से थोड़ी बहुत पिथौरागढ़ रेंज और बागेश्वर की रेंज भी दिख रही है। तो इतने हाइट में
आप समझ सकते हो कि इतनी हाइट में होने के बाद पूरी गढ़वाल और कुमाऊं रेंज पूरी दिख रही है यहाँ से। आपको एक इसका व्यू दिखाता हूँ मैं। गाइस ना नैना पीक तो पूरी तरह से देख ली है, अब चलते हैं नीचे की तरफ को। तो नीचे क्योंकि टाइम हो चुका है, 52 मिनट में करीब करीब हमने पूरा कर लिया था ये। अब अभी टाइम हो रहा है 2:12, बहुत टाइम लग गया है यहाँ पर, करीब करीब 52 और 12, 20 मिनट यहाँ पर रह गए हम अकेले अकेले। अब मुझे फिर से अकेले नीचे को जाना पड़ेगा, जहाँ से वहाँ आधे रास्ते तक अकेला आया था, फिर अकेले ही जाना पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा वैसे, और चीज़ भी है ना, और चीज़ भी देखना है, फिर शाम को घर को भी निकलना है, तो इस वजह से। अगर यहीं रहना होता तो बढ़िया से करके रहते हैं यहाँ, कोई नहीं, आराम से घूमते, दिन भर घूमते, शाम को आते और शाम को कैंपिंग कर लेते यहीं कहीं पर। तो इस वजह से अब यहाँ से निकलते हैं, मिलेंगे आप लोगों को। मैं ना मेन सड़क में आ चुका हूँ, मेरे को 1 घंटा 37 मिनट लगा ऊपर जाने और आने में, तो 1 घंटे में मैं पहुँच जाके आ चुका हूँ। बहुत अच्छा व्यू दिखता है वहाँ से, शानदार सा एकदम से, पर जो भी आदमी वहाँ से जाके देख के आ सकता है, मज़ा आ जाएगा उसको एकदम से, क्या ही कहें, स्वर्ग महसूस होता वहाँ से। अब यहाँ से चलते हैं वापस नीचे के लिए, क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी डेड हो गई है पूरी तरह से, देखते हैं अगर कोई है तो। दाजू तुम पास चार्जर छो के, मैं फ़ोन लगा दिला, मैं फ़ोन में बैटरी ख़त्म है कि पूर, 1-5 मिनट लगा दियो। और सी टाइप हनॉल, हाँ तो सी टाइप लग जा चार्जिंग के लिए भी, भैया जी से बात करके ये कह रहे हैं लगा देंगे 5 मिनट के लिए, अगर 5 मिनट लग जाएगा ना। अच्छा अभी मैं ना राजीव भवन पर हूँ और ये बंद हो चुका है, तो ये इसकी ना खुलने की टाइमिंग ऐसे है नहीं, इसकी खुलने की टाइमिंग है जैसे 11 बजे 2 बजे 4 बजे ऐसे, ये मतलब ये खोलते हैं आपके 10 या 15 मिनट के लिए, फिर बंद कर देते हैं 10-15 मिनट पहले ये टिकट दे देते हैं, फिर बंद कर देते हैं। 1840 में बना था, मतलब अंग्रेज़ों ने इसको बनाया था, और बहुत बहुत बड़ा है ये। ये तो खाली एक कंपनी रहती है इसमें, और अंदर को है पूरी तरह से, मतलब यहाँ से रोड जाती है अंदर को, और ये पीछे जो देख रहे हैं ये टिकट घर है, यहाँ से आपको टिकट मिलेगा, उसके बाद से ही आप यहाँ से, आपको एक गाइड मिलेगा वो आपको पूरी तरह से दिखाएगा इसके अंदर। तो आप समझ सकते हो कितना हुआ है, अभी टाइम 3:21 हो गया, बहुत लेट हो गया, तो बंद हो गया, तो ठीक है सरकारी काम काज है तो उसकी वजह से। बाकी यहाँ के लोग उसके बारे में बताने के लिए उतना वो नहीं सोच रहे, बस सिर्फ और सिर्फ वो ऐसे ही बता रहे हैं, तो इसीलिए। बाकी चलो चलते हैं यहाँ से, और बाकी इन्फॉर्मेशन इतनी थी मेरे पास, जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी वही है, ये है राजीव भवन, इससे अंदर को जाते हैं, अंदर है गोल्फ कोर्स है और चीज़ें थोड़ी बहुत, एक कमरे में है म्यूजियम जो भी बताते हैं, एक ही कमरे में घुमाते हैं वो लोग, तो उतने में ही। अब मैं तो अंदर घुमा नहीं हूँ, कभी हो पाएगा तो फिर घूमेंगे, तो अभी यहाँ से चलते हैं। मैं पूरा नैने पिक से घूम के और राजभवन से घूम के अभी आया हूँ नैना मंदिर की तरफ को। मैं यहाँ पर ना भैया जी ने दुकान लगा रखी है, तो ये देख रहा था, एक उठा लो, ये देखो क्या मस्त बना रखा है इन्होंने, कला की बहुत कदर है हमारे पास। अगर आप कभी ले जाना चाहते हो ना तो ये ले जा सकते हो शोपीस के लिए। अब मैं जा रहा हूँ नैना देवी मंदिर में, नैना देवी मंदिर परिसर, वो उसका भी बहुत बड़ा वो है। वो म्यूजिक चल गया, एक मिनट आप बातना माता जी की, जो यहाँ पर वो बताया गया है ना कि उनके आंखें गिरी थी जब शिव जी और माँ पार्वती जी को अपने उसमें ले जा रहे थे, तो उनके शरीर के जो अंग अंग गिरे वो यहाँ पर उनकी आंखें गिरी हैं, यहाँ पर भी हैं, और हिमाचल में भी नैना देवी मंदिर है, तो दोनों जगह सेम टू सेम ही है।
और ऊपर जो मंदिर बना रखी है, आरती होती है यहाँ सुबह 5:30 बजे से शाम को 6:30 बजे। सही है, सही टाइम है, सुबह 5:30 बजे और शाम को 6:30 बजे। यहाँ पर देखो ना इतने मंदिर है, श्री माँ नैना देवी और भैरव मंदिर, संतोषी माता का, नवग्रह का, राधा कृष्ण मंदिर, श्री शिव मंदिर, श्री बजरंगबली, दशावतार, धर्मशाला, पूरी तरह से इतने मंदिर है। और आपके जो बजरंगबली का मंदिर है वो ये है, तो यहाँ पर पूरी तरह से। गाइस रूम में तो मैं आ चुका हूँ अपने, बहुत अच्छा लगा नैनीताल घूम के, और सबसे अच्छा तो मुझे आपका नैना पीक घूम के लगा। वाह यार क्या व्यू दिखता है वहाँ से, बस एक चलने की वो है। हाँ मैं इतना कह सकता हूँ, अगर आप अकेले वहाँ जा रहे हो ना तो अकेले मत जाना रास्ते में, क्योंकि थोड़ा सा टाइगर का डर रहता है, बाघ का, इधर लोकल में बाघ बोलते हैं हमारे उधर, तो थोड़ी बहुत उसका डर रहता है। वैसे लोग उसमें चलते रहते हैं, पर अकेले चलने से अच्छा है कि कोई एक अपने साथ कोई और हो तो बोलने चालने में सफ़र और कट जाता है और डर भी उतना नहीं रहता। मैं अकेले गया था, फिर बाद में मुझे ऊपर रास्ते में जहाँ पहुँच गए थे उसके करीब करीब एक किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर पर एक भैया मिले थे, वो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के थे और एक कानपुर वाले थे, वो उनको टूर गाइड करवा रहे थे, अल्मोड़ा वाले भैया कानपुर वाले भाई को। तो वहाँ पहुँचे करीब करीब 10 मिनट में वहाँ रहा होऊंगा और फिर मैं सीधे नीचे को आ गया था। क्या फर्स्ट क्लास मज़ा, एकदम से व्यू आया। और सबसे सही मेरे को लगा था कि मैं राजभवन पहुँच जाऊँगा तो राजभवन में घूमूंगा, पर वो 3 बजे बंद हो गया था। फिर वहाँ भी क्या ही करते, फिर वहाँ से वापस आना पड़ा। फिर नैना देवी मंदिर में घूमे, थोड़ी देर वहाँ पर दर्शन वर्शन किए, घूमे आराम से, फिर उसके बाद से सीधे ही अपने घर के लिए आए। बहुत दूर है कहने को ना, नैनीताल यहीं पर लगता है, पर एक्चुअली ना रानीखेत से बहुत दूर है, करीब करीब 70 किलोमीटर मेरे हिसाब से इतना है, और जितना मैं आज घूमा हूँगा वो 130 या 140 किलोमीटर, वो और 130 140 किलोमीटर, मतलब 260-270 किलोमीटर में आज घुमाऊंगा, इतना एक तरफ जाना एक तरफ आना। सो गाइस आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं और मिलते हैं आपको कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।